आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया लैपटॉप बताने जा रहा हूँ अंडर 40,000। तो भाई 40,000 में लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और बहुत सारी चीज़ें, तो इसी में हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज भवेन फ्रॉम फोन एनालिसिस। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना, वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। तो यार हमारा पहला लैपटॉप है HP। भाई बहुत ही मैंने सारे लैपटॉप्स खोल के रखे हुए, HP 245 G7 AMD Ryzen 5 वाला लैपटॉप है। देखो एक तो इतने इतने बड़े भाई नाम रख देते हैं, सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यार ये मेरे को लैपटॉप लग रहा है बहुत ही बढ़िया, Amazon पे मिल रहा है 39,690 का। तो यार जैसे कि मतलब खाना खाने के बाद हाजमोला खाने में मज़ा आ जाता है ना, अगर आपने लैपटॉप ले लिया भाई बढ़िया मजा आ जाएगा। इसमें SSG नहीं है, Ryzen 5 थर्ड जन का प्रोसेसर देखने को आपको मिलेगा, 8GB RAM देखने को मिल रही है, 1TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल रही है, 1.52 KG का ये लैपटॉप है और 40,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। अगर मैं अपने अगले लैपटॉप की बात करूँ, ये मैं फिफ्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं टॉप 5 आपको लैपटॉप बता रहा हूँ अंडर 40,000, ये फिफ्थ नंबर पर लैपटॉप था। अगर मैं फोर्थ नंबर की लैपटॉप की बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप एक और HP की तरफ से, HP अल्ट्रा 14 या HP 14 अल्ट्रा देखने को आपको मिलता है साथ में। वही मतलब बात है कि अगर मैं कहीं सीढ़ियों पे जा रहा हूँ और मैं गिर जाऊँ धड़ाम से तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यार मेरे को भी नहीं अच्छा लगता जब आप वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक कर दे यार वीडियो को, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलता है i3 10th gen प्रोसेसर, साथ में 8GB रैम, 256GB की आपको SSD देखने को मिल रही है। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लग रहा है मेरे को देखने में। तो यार और ऊपर से एक नई लुक्स है, बेजललेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, 1.47 KG का है, 35,990 उठा सकते हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो यार ये आप बैनर देख सकते हो और लोगो देख सकते हो, यार ये रजत पॉल ने बनाया है, यार बहुत ही बढ़िया बनाया है। आपको किसी ने बनवाना हो तो यार मैं उनका ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना यार एक बार। तो भाई थर्ड नंबर पे एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप मेरे को लग रहा है देखने में, तो वो है कौन सा लैपटॉप है, वो है Acer Aspire 5। भाई Acer Aspire 5 भी मेरे को बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लग रहा है, i3 10th gen प्रोसेसर, साथ में 4GB रैम, साथ में 512GB की आपको SSD देखने को मिलेगी। भाई आप इसमें एक लाइट गेमिंग कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से तो नहीं मतलब ठीक ठाक कर पाओगे, आपका काम निकल जाएगा, फोटोशॉप चलाना तो चल जाएगा, विंडोज 10 14 इंच का 1.50 KG का ये आपको मिलता है 38,377 का, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने सेकंड नंबर वाले लैपटॉप की बात करूं तो भाई सेकंड पे आता है अविता लाइबर V14। तो यार ये एक नई कंपनी है, मैं आपको बता दूं भाई सर्विस सेंटर की अभी कोई जानकारी ज़्यादा मेरे पास अता पता नहीं है, जब भी अता पता मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर ये इसके स्पेक्स सुनोगे ना 40,000 में, i5 10th gen प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB की आपको SSD देखने को मिलेगी, साथ में वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, 1.25 KG का है, ये बहुत ही तगड़ा मेरे को लैपटॉप लग रहा है भाई, खाली जितना ये तगड़ा लैपटॉप है तो आपको भाई धड़ाम धड़ाम आप किसी को भी कर सकते हो, कर रहा हूँ, 40,000 का आपको देखने को मिलता है लैपटॉप। ऊपर से भाई फ्री डिलीवरी पर टुमारो भी है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, वैसे है सच में। ये लैपटॉप की बात अगर हो तो भाई इसमें आपकी हैवी गेमिंग आपकी आराम से हो जाएगी, साथ में वीडियो एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी भाई, इसकी जितनी मेरे Asus स्टफ की जितनी तो हो ही जाएगी, मतलब उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं आपको क्लियर बता दूं तो उतनी ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं हो पाएगी, पर एक ठीक ठाक आपकी गेमिंग हो जाएगी, आपको भाई बहुत ज़्यादा मज़े आ जाएंगे और आपका दिन सफल हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये अगर मैं अपने फर्स्ट नंबर वाले लैपटॉप की बात करूं, ठीक है, जो कि है मी नोटबुक ई लर्निंग एडिशन, आपको देखने को मिलता है भाई ई लर्निंग एडिशन है, तो भाई पढ़ाई वढ़ाई में आप लग जाओ बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। i3 10th gen का प्रोसेसर, साथ में 8GB रैम, 256GB आपको SSD देखने को मिलेगी, ऑल मेटालिक बॉडी, 1.5 KG का लैपटॉप है, बहुत ही बढ़िया, अप टू 10 आवर्स की बैटरी है। भाई ये मैंने इसलिए फर्स्ट पे रखा है, देखो जो आपका वो वाला था ना HP 14 जो मैंने थर्ड नंबर बताया, आप उसको भी फर्स्ट पे रख सकते हो, प्रायोरिटी के हिसाब से है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप था, 8GB रैम, उसमें बस 256GB की SSD थी, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रखा, ठीक है, क्योंकि मतलब मी वाला ही लैपटॉप बड़ा अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लैपटॉप लगता है, मतलब जो भी वही चीज़ है कि अगर आपने भाई पिज़्ज़ा खाया हो, कौन सा पनीर वाला, ओहो अलग ही वजह मजाक करो, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाता है, वैसे ही अगर आपने लैपटॉप चला लिया बहुत ही बढ़िया आपको अच्छा लग जाएगा, और ऊपर से इसकी भाई लुक्स बड़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, इसमें आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी हो जाएगी, ऊपर से गेमिंग भी लाइट गेमिंग आप ज़रूर कर पाएंगे, आपको भाई बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो यार सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। देखो अगर आपको कोई रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जाना है, रेप्यूटेड ब्रांड मतलब अगर आप वही रसमलाई खाने जाओ तो भाई एक अच्छी कंपनी की BTW की अगर खाने जाओ तो आपको मज़ा आ जाता है ना खाने में, वैसे ही अगर आपको एक मतलब रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जाने HP 14 आप ले सकते हो, उसमें पर 256GB आपको SSD देखने को मिलती है, पर भाई आपको मतलब उसमें प्रोसेसर नहीं है i3 10th gen है, ऊपर से 8GB की रैम है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है,
पर अगर आपको एक बहुत ही हैवी पैक लैपटॉप चाहिए, बहुत बेस्ट स्पेक्स के साथ लैपटॉप चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस पता नहीं यार, पर बेस्ट स्पेक्स के साथ अगर आपको लैपटॉप चाहिए, अविता ब्रांड के साथ आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, तो आप उसके साथ चले जाओ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।